हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम गाइस ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल जिसका नाम है 111 टैरोट। आई होप आप सब लोग ठीक हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं एंड अपनी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा कर रही हैं। एंड मैं हूँ प्रियंका और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है नेक्स्ट 48 आवर्स इन योर लाइफ। दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। जितनी भी आवर्स की रीडिंग आती हैं वो कहीं ना कहीं टाइमलेस नहीं होती है, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ नेक्स्ट 48 आवर्स टाइमलेस रीडिंग्स कि आप इस वीडियो को जब भी देखेंगे, जब भी देख रहे हैं आप इस वीडियो को, उसके नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी लाइफ के अंदर क्या बदलाव, क्या चेंजेस आने वाले हैं, दिस इज़ ऑल अबाउट आज की रीडिंग। तो चेक कर लेते हैं एंड जानने की कोशिश करते हैं कौन से बदलाव, कौन से चेंजेस आप अपनी लाइफ में देखने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर। चलिए, मतलब खुलते के साथ सबसे पहला कार्ड आ गया सन, 6 ऑफ सूट्स। पेज ऑफ कप्स, द टावर। ओके, देखो अच्छा और बुरा दोनों ही चीज़ें हैं, ठीक है। जो अच्छा है उसको एज ए ब्लेसिंग लेना और जो बुरा है उसे एज ए गाइडेंस लेना, अवेयर होना उस चीज़ के लिए। ओके, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, टू वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ कप्स। वाओ, सो लव एंड कैरियर दोनों की ही एनर्जीज हैं। बेसिकली मैं यहाँ पे जो जोडियक्स देख रही हूँ वो है आपके जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। ऑलमोस्ट सारे ही साइंस यहाँ पर आज अवेलेबल हैं। अच्छा जी, बात है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी लाइफ के अंदर क्या हो सकता है। नेक्स्ट 48 आवर्स है ना, और ये 48 आवर्स आप जब भी देख रहे हैं, जब भी देख रहे हैं तब आपसे रेजोनेट होंगे। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज़ यहाँ पे भी ट्रैवलिंग, यहाँ पे भी ट्रैवलिंग, ठीक है जी। ट्रैवलिंग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, आप ट्रैवल करने वाले हैं। ओके, ट्रैवल करने वाले हैं आप, हो सकता है सिटी टू सिटी या कंट्री टू कंट्री भी कर सकते हैं कई लोगों के लिए। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो कई लोग मुझे यहाँ पे ना ट्रैवलिंग करते हुए नज़र आते हैं, और ये ट्रैवलिंग कुछ लोगों के लिए बहुत छोटी होगी और कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी होगी, ठीक है जी। आप इस ट्रैवलिंग को ना बहुत ज़्यादा सोच विचार के, समझ के, बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने फिरने वाले, ट्रैवलिंग करते नज़र आते हैं। कुछ लोग अपने किसी काम की वजह से इधर उधर होंगे। मैं यहाँ पे हो सकता है कि आप लोग किसी की शादी अटेंड करने जाएं, ठीक है, सन का कार्ड है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग है ना किसी के लिए लड़का देखने जा रहे हैं, किसी के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। वाओ, कितनी क्यूट एनर्जी है, क्योंकि हमारे पास पेज ऑफ कप्स का भी कार्ड है। या ऐसा हो सकता है कि कोई आपको देखने के लिए आए। मैं यहाँ पे अरेंज मैरिज के रिचुअल्स बहुत देख रही हूँ, पता नहीं क्यों। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। एंड काफ़ी लोगों की है ना, मुझे इन नेक्स्ट 48 आवर्स में शादी, सगाई, रोका, या फिर कह लीजिए कि कहते हैं ना कि अचानक से कोई रिश्ता आया और चटपट मंगनी हो गई, है ना, वो होता हुआ। या फिर कोई काम जो है आपका काफ़ी टाइम से रुका पड़ा है वो होता हुआ भी मेरे को फील हो रहा है, ठीक है जी। अच्छी चीज़ यहाँ पर ये है कि आपकी लाइफ नेक्स्ट 48 आवर्स में ना एक चेंज ले सकती है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए नहीं, मैं कुछ लोगों के लिए एनर्जी देख रही हूँ कि कहते हैं ना अचानक से शिफ्ट आया मेरी लाइफ में, तो मैंने इस मोड़ पर ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी, ये अचानक से मेरी लाइफ में शिफ्ट आया। तो ये अचानक से वाला शिफ्ट मैं देख रही हूँ कई लोगों की लाइफ में, चाहे फिर मनी हो, चाहे अबंडेंस हो, चाहे शादी हो, या फिर कोई भी सिनेरियो हो, अचानक से एक शिफ्ट, ठीक है जी। जैसे कहते हैं ना कि रातों रात दुनिया बदल गई, तो ये रातों रात दुनिया बदलने की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये दुनिया आपकी पॉजिटिव वे में बदलेगी। ओके, नेगेटिविटी नहीं है। मैं फील कर पा रही हूँ यहाँ पे कि पास्ट में हो सकता है किसी नेगेटिविटी को लेकर के। ये कार्ड टावर का ना यहाँ पे दो चीज़ों को इंडिकेट कर रहा है, मैं आपको बता दूँ। पहली चीज़ तो ये इंडिकेट कर रहा है, बिकॉज हमने फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट थ्रेड में इसे लगाया कि पास्ट में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है आपके साथ जिसने ना आपको अंदर ही अंदर यू नो कहते हैं ना हताश कर देना या अंदर ही अंदर आपको परेशान या बुरा महसूस करवाना, उस एनर्जी में लेकर आया है या तो ये, ठीक है। एंड फॉर सम पीपल ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि आगे आने वाला कोई आप निर्णय ऐसा लेने वाले हैं जो कि आपकी ना नेगेटिविटी को ज़्यादा फ्लो करे। तो आपने ना एक चीज़ ज़रूर करनी है विद दिस टू ऑफ वंस एंड टावर कार्ड। सी, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, आई एम गेटिंग many more messages for many more people, okay, from the different for the different people. तो what I feel here is ना कि कुछ लोगों के लिए तो टावर आया कि भाई पास्ट में आपके साथ नेगेटिविटी चल रही थी, अब वो टोटली ख़त्म हो जाएगी एंड आपकी लाइफ का एक नया उदय होगा, सूर्योदय होगा, ठीक है। कई लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस आ रही है विद द टावर एंड टू ऑफ वॉन्ड्स कि आप अभी आने वाले 48 आवर्स में कोई डिसीज़न लेने वाले हैं। उस डिसीज़न के अंदर जल्दबाजी मत कीजिएगा, ठीक है। हो सकता है कोई शादी का डिसीज़न हो, जल्दबाजी मत कीजिएगा, सोच समझ के अच्छे से फिर उसके बाद ये डिसीज़न लेना। चाहे फिर ये डिसीज़न कोई फाइनेंशियल किसी काम का हो, लाइक होता है ना कई बार हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, कई बार हम पार्टनरशिप्स क्रिएट करते हैं बिजनेस वगैरह का, या कई बार बैंक से लोन वगैरह का कुछ सिनारियो। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में ना भाई आपने थोड़ा सा ना ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। कोई ना पेंटिकल्स का कार्ड है, इस चीज़ का थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। एंड क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, तो आई मस्ट से कि विक्ट्री तो आपकी ज़रूर होगी, लेकिन इस कार्ड के हिसाब से ना यहाँ पे एक एक कार्ड अपनी अलग ही एनर्जी दे रहा है। मोर ओवर इस कार्ड की एनर्जी बहुत मोस्ट प्रोमिनेंट है कि आगे आने वाले समय में आपको डिसीज़न लेने वाले हैं जो कि आप गलत ना ले लें। बस इस चीज़ का सोच समझ के विचार करके ही आपने डिसीज़न लेना है, ऐसे नहीं कि फटाफट ले लिया, ऐसे मत करना, ठीक है। एक चीज़ मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रही हूँ और वो ये है कि पास्ट में चाहे जो भी सिनेरियो रहा, जैसा भी सिनेरियो रहा, आई एम सीइंग दैट यू गाइज विल डेफिनेटली गेट विक्ट्री, ठीक है। हर तरीके से, हर इशू में, हर जगह आप लोग विक्ट्री लेने वाले हैं। मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि कुछ लोग डेटिंग करने वाले हैं, कुछ लोग डेट पे जा रहे हैं, ठीक है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ सोर्ड्स भी था, कई लोग सॉरी नाइट ऑफ कप्स था, कई लोग डेट पर जा रहे हैं, कई लोग मुझे जो है घूमते फिरते नज़र आते हैं, कई लोग है ना किसी पर्सन के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, ठीक है जी। तो एंड सन का भी कार्ड है, तो आई मस्ट से कुछ लोग हो सकता है फिजिकल रिलेशन फर्स्ट टाइम मेंटेन कर रहे हैं एंड खुश महसूस कर रहे हैं। फूल का कार्ड है, देख लीजिए, फ्री एनर्जी आप लोगों की। मैं यहाँ पे ना नेगेटिविटी नहीं देख रही हूँ, नेक्स्ट 48 आवर्स में कोई नेगेटिविटी नहीं है। इनफैक्ट आप लोग है ना बहुत ज़्यादा अच्छा गुडविल एंड पॉजिटिविटी फील करोगे, ठीक है। सी अगेन 4 ऑफ वॉन्ड्स है यार, सन का भी कार्ड है। बहुत सारे लोग शादी में या तो शिरकत करने जा रहे हैं, कई लोग जो है किसी की शादी में जा रहे हैं, कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। एंड कई लोग मुझे यहाँ पे नज़र आते हैं क्या करते हुए, अपनी ही शादी को एंजॉय करते हुए, या किसी की हो सकता है शादी फिक्स हो जाए, ठीक है। ऐसी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, मैं ना आपकी एनर्जी शिफ्ट होते हुए भी देख रही हूँ। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ कप्स, मैं आप लोगों की ना एनर्जी शिफ्ट होते हुए भी देख रही हूँ कि आप अपनी लाइफ को ना एक नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। आप पहले ना एक केज लाइक लाइफ में थे, ठीक है, जहाँ पर आपको लग रहा था कि सब लोग सिर्फ और सिर्फ आपका फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, लेकिन आप इस केज वाली लाइफ से ना एकदम आज़ाद होने वाले हो और नए सिरे से अपनी लाइफ को स्टार्ट करने वाले हो। सी दिस इज़ वॉट आई बिलीव हेयर फ्रॉम द कार्ड्स। सो मोस्ट प्रोमिनेंटली अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप लोग खुश हैं, पॉजिटिव हैं, अपनी लाइफ को नए सिरे से शुरू कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा हैप्पी एनर्जीज़ के अंदर आकर के आप अपनी लाइफ को यू नो एक ब्लॉसमिंग अबंडेंस के तरीके से देख रहे हैं। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी एनर्जीज़, अब मैं आपको स्पेसिफिकली अलग अलग करके चीज़ें बता देती हूँ। सबसे पहले मैं अगर आपकी एनर्जीज़ की बात करूँ, माय ब्यूटीफुल कलेक्टिव पीपल, मैं देख रही हूँ कि आप लोगों की एनर्जी है ना एकदम ऐसी रहेगी कि केज को, किसी बंधन को तोड़ करके मुक्त होकर के निकल जाना और खुश रहना, ठीक है। सेकेंडली आपकी एनर्जी एकदम फ्री बर्ड वाली रहेगी, आप किसी की सुनेंगे नहीं और आप बहुत ज़्यादा इंजॉयबल एनर्जी में होंगे, ठीक है। इंजॉय करें जैसे आप छोटी छोटी चीज़ों को, चाहे फिर वो आपकी विक्ट्री हो या किसी का सेलिब्रेशन हो, किसी की शादी हो, लाइक वट एवर द कॉज इज़, वट एवर द रीज़न इज़, यू गाइज विल डेफिनेटली फील अ काइंड ऑफ रिलीफ, पॉजिटिविटी, ठीक है। सेकेंड थिंग हम बात करें आपके करियर की, तो करियर में मैं यहाँ पे क्या देख रही हूँ कि आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट्स करने से बचना चाहिए अभी नेक्स्ट 48 आवर्स में। आप 48 आवर्स की बात कर सकते हैं, किसी बोलते हैं ना इन्वेस्टमेंट करना या किसी को अपना बिजनेस पार्टनर पिक करना, ये थोड़ा अभी ना आप सोचें अच्छे से। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, यू गाइज आर ऑलरेडी यू नो एक कहते हैं ना एक खूबसूरती है आप लोगों की एनर्जी में। तो आप लोग ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा यू नो समझदार और इंटेलिजेंट हैं, बट फिर भी आपको बोला जा रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपने ना सोच समझ कर के डिसीज़न लेना है। ऐसे नहीं कि अच्छा ठीक है सही लगा और डिसीज़न ले लिया, ऐसे मत करना प्लीज़। सोच समझ के अच्छे से आपने डिसीज़न लेना है, ठीक है। करियर के अंदर उन्नति एंड विक्ट्री है आप लोगों के पास फॉर श्योर। रही बात लव की, तो आई एम सीइंग कुछ लोगों की शादियां फिक्स हो रही हैं, कुछ लोग शादियों में एंजॉय करने जा रहे हैं एंड कुछ लोग डेटिंग पे जा रहे हैं घूमने के लिए अपने पार्टनर के पास, ठीक है। या फिर उनके पार्टनर आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं या फिर आप लोग मिल रहे हैं एंड आप लोग डेटिंग कर रहे हैं, ठीक है जी। और क्या आपको थोड़ा सा अभी सतर्क होकर चलने की ज़रूरत है। सतर्क होकर चलने की आपको ज़रूरत है दो चीज़ों में, पहला डिसीज़न मेकिंग एंड सेकेंड किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट करने से जो है आपको बचना चाहिए। चलिए अब आप लोगों के लिए एडवाइजेस देख लेते हैं क्या आती है। सो आप लोगों के लिए एडवाइजेस है कि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, अगर कोई काम रुका हुआ है तो उसके बनने की ना बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं। तो आपकी जो वो काम है ना उसकी एनर्जी बन रही है, क्रिएट हो रही है आपकी लाइफ में। एंड आपकी किसी भी टफ साइकिल, कोई भी नेगेटिव टफ साइकिल अगर आपकी लाइफ में चल रही है तो उसका अंत बहुत निकट है, ठीक है जी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, और आप किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग्स ले सकते हैं मुझसे बाय मैसेजिंग मी ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल, और आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पर। दोनों ही चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए डाल दी है। तो प्लीज़ आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें एंड हर चीज़ को सोच समझ के कीजिएगा। लव यू लॉट गाइज, अपना प्लीज़ ध्यान रखिएगा। एंड एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, मैं कभी भी अपना नंबर कमेंट सेक्शन में नहीं देती हूँ, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। लव यू लॉट गाइज, बाय बाय।